ऐसे देख रहा है जैसे हमें खा जाएगा। शादीशुदा को देखने वाले कम मिलते हैं, अगर वो हमें देख रहा है तो ये खुशी की बात है। देखने के लिए हमारी जैसी कलरफुल लड़कियां कहाँ मिलती होगी, देखने दे। दुर्गा कितना ताक रहे हो दुर्गा। बहने वाली नदी में टकराते कांटे और पत्थर की कोई गिनती नहीं है। बहने के उत्साह में जो घाव लगते हैं वो महसूस भी नहीं होते हैं, उसे ही तो बहने का असली मजा कहते हैं। वाह 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 वाह, सुपर दुर्गा, तुम्हारी कविता एंजॉय करने हम लोग यहाँ नहीं आए। इधर उधर यहाँ वहाँ नाच घूमकर हम बहुत थक गए, हम सो जाते हैं। सुबह तक हमें बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना दुर्गा, कल हमारे विमेंस डे का सेलिब्रेशन है तो हमें फुल एनर्जेटिक रहना है। सो जाइए, ठीक से नींद पूरी कीजिए, किसको पता बाद में तुम लोग सो पाओगे कि नहीं। क्या मैं ये कह रहा था कि खाना खाए बिना सो सकते हैं क्या? आप लोग मेरी कविता नहीं सुनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन खाना खाकर ही सोइए, वरना मैं बहुत उदास हो जाऊंगा। अरे उदास मत हो दुर्गा, कल हम डबल नाश्ता कर लेंगे, अभी तो बस हम सोना चाहते हैं, प्लीज। ठीक है मैडम। इवनिंग सेलिब्रेशन में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये दुर्गा को कम नामक शब्द पता ही नहीं है मैडम जी, आप चिंता न करें, अच्छा इंतजाम होगा, आप आराम से जाइए, घूम कर आइए। बैंगलोर में रहते तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन इस जंगल में तो हमारे लिए सिर्फ तुम हो। आपकी बात तो सही है, आप कितने भी जन्म लेकर आइए, आपके लिए तो मैं ही रहूंगा। क्या बोला तुमने? मैं जो भी बोलता हूँ उसे दिल पर मत लीजिए मैडम जी, अकेला रह रहकर मैं क्या क्या पक देता हूँ कभी कभी मुझे ही पता नहीं चलता। आप खाइए, आप सब लोग कितने खुश हैं, लेकिन नागवेनी मैडम गले में मंगलसूत्र नहीं पहने और कुछ तो परेशान है। चिंता मत कीजिए मैडम जी। जो भी सच है वो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा है। ये लीजिए। कट कीजिए ना। ए, वुमेंस डे के दिन मेंस। हेलो, मैं समझ गया, लड़कियों के लिए मनाए जाने वाले इस वुमेंस डे में मेरा क्या काम है यहाँ पर। एंजॉय कीजिए। समझी क्या? करते हैं।
डरपोक से मेरा पाला पड़ा है, चल। हे चलना। ए दरवाजा लॉक कर दे। और यहीं पे सो जा, फिर से उठ के टीवी देखने मत जाना। नहीं जाऊंगी। चल अब सो जा। हमें छोड़ दो, हमें जान दो, हमें छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, लेकिन सीधा स्वर्ग में छोड़ दूंगा। ये आदि दुर्गा को गांव से बहिष्कृत करने की योजना बनाते हो? ये गांव मेरा है, यहाँ की लड़कियां, जमीन, फल फूल सब मेरा है। इस आदि दुर्गा के रास्ते में आने वालों की सांसें रुक जाती है, सांसें रुक जाएगी। मार दूंगा। शाबाश 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 शाबाश। शेर की नजरों से शेर की नजरों से हिरन कभी नहीं भाग सकता, और आदि दुर्गा की नजरों से सुंदर रूप। सुंदरी कहाँ है तू? यहां आकर मेरे दिल में जो आग तूने लगाई है उसे ठंडा कर। देखिए आप यहां से चले जाइए, पिताजी घर पे नहीं है। अप्सरा, शहद को चखे बिना खाली हाथ जाओ कभी हो ही नहीं सकता। मुझे तुम्हारे पिताजी नहीं चाहिए, उनका भाग्योदय करने आई हुई ये सुंदर अप्सरा मुझे चाहिए। अद्भुत
अति अद्भुत। एक फल चखने आया था परंतु मुझे एक साथ पांच पांच फल झुंड में मिल गए। क्या सौंदर्य है तुम्हारा, रंभा और उर्वशी को भी तुमने पीछे छोड़ दिया, ऐसा सौंदर्य पाया है। नक्षत्र में भ्रमण करने वाला तारा हो तुम, तपती धूप से धरती कांप जाती है, तब आशा बनकर बरसने वाली वर्षा हो तुम, बहती हुई नदी जब समुद्र से मिलती है और उससे जो टकराव जन्मता है, उस तारा से मनमोहक रमणी है तू। तपती धूप में खिला हुआ सूर्यमुखी है तू। ठंडी में शरीर की कंपना को दूर करने के लिए अवतार लेकर आने वाला अग्नि कुंड हो तुम। तुम्हारे पांचों के सौंदर्य ने मुझे पागल बना दिया है। ठीक है, मैंने निर्णय ले लिया है, तुम पांचों मेरी हो, मेरी हो। द्रौपदी ने पांच पांडवों से विवाह किया था, ये बात ग्रंथों में लिखी गई है। ये आदि दुर्गा तुम पांचों को अपना बनाकर इतिहास बनाएगा। तुम्हारे रसिकपन के साक्षी है ये लोग, तुम्हारी ये पांचों पुत्रियां, इनको देखा उसी क्षण से वो मालिक मर गया। ये जो आदि दुर्गा है वो अब से तुम्हारा दामाद है। ये पांचों से मेरी शादी करवा दो, कल ही ये मुहूर्त, कल ही दुल्हनों को मेरे घर पे आकर मुझे सौंपना होगा। शाबाश 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 शाबाश।